ऊंची आवाज में बात करो, फिर तुम्हारी आवाज बैठ जाएगी। पर कल को कोई लड़की वाले देखने आए तो बैठी हुई आवाज में बोलना, नमस्कार, मैं हूँ हरीश चुवा पत्रिका। कोई लड़का हो मोफतलाल, क्या मुझसे शादी करेंगे? ये तो गलत है भाई, ये गलत है। अभी तक आप सब लोग मेरे साथ, अभी जेठालाल के साथ बोलिए। अरे भाई पोपटलाल, हम तो उन बारातियों की तरह है कि जिस बारात में अच्छा बैंड बज रहा हो वहीं नाचना शुरू कर देते हैं। मेहता साहब प्लीज भारत का उदाहरण मत दीजिए। अच्छा तो भाई हम लोग उस दूल्हे की तरह हैं। मेहता साहब शादी से रिलेटेड कोई भी उदाहरण मत दीजिए। भाई ये तो तुमने बांध दिया, अब क्या उदाहरण दिया जाए? कोई उदाहरण मत दो अब्दुल, तुम सोडा दो भाई, अब तो सब आ गए ना। अभी बनाता हूं। दे दे भाई सबको सोडा दो। अब्दुल मेरी तरफ से सबको डबल सोडा दे। जी जी। और पोपटलाल का डबल 4 सोडा देना। अरे वाह पोपटलाल, तुम्हारे तो मजे हो गए, 4-4 सोडा। अब्दुल आती भाई को मेरी तरफ से 6 सोडा पिलाना। ओ, ओ। नहीं नहीं जेठा भाई, 4 बस। अरे आती भाई 4 तो पोपटलाल पी रहा है, तो आपको तो उससे ज्यादा पीनी चाहिए ना। 6 पियो, 6 पियो। नहीं नहीं मैं भी 4 नहीं पीऊंगा, 2 सोडा ठीक है। ठीक है फिर मैं 6 पी लूंगा, 4 अपनी 2 पोपटलाल जी की। हाँ सोडा तैयार है। हाँ दो दो, उधर दो, उधर दो। चीयर्स 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 चीयर्स। इन लोगों को रात को भी चैन नहीं है। कौन, क्या हो गया यार? अरे ये इन्वेस्टमेंट स्कीम वालों का मैसेज है आजकल। ये इन्वेस्टमेंट वालों का मैसेज बहुत बढ़ गया है। अरे मैसेज क्या, आजकल तो इन्वेस्टमेंट वालों के कॉल भी कितने आते हैं। अरे भाई मैं तो ठहरा डॉक्टर, मुझे तो अननोन नंबर भी उठाने पड़ते हैं, क्या पता शायद कोई पेशेंट हो। ओ इन्वेस्टमेंट की बात तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं। ओ बंदा बचत करेगा तो इन्वेस्ट करेगा ना। एकदम करेक्ट कहा सोड़ी तूने, आजकल ये इन्वेस्टमेंट का बहुत इश्यू हो गया है। नहीं नहीं इश्यू तो है, और हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो सबसे बड़ा इश्यू है भाई। सबसे पहले तो कमाने का टेंशन, और कमा लो तो फिर बचाने का टेंशन, और मान लो थोड़ा बहुत बच जाए तो उसे सुरक्षित इन्वेस्ट करने का टेंशन। नहीं मेरे हिसाब से तो बचत करके इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए मेहता साहब। क्या है, बचत आपकी दूसरी संतान हो सकती है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा बोला भिड़े तूने। लेकिन इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे, बोलना आसान है लेकिन हमारे पैसे भी सुरक्षित रहने चाहिए ना। सही बात, पोपटलाल इसलिए तो बैंक है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंक में ही रह सकता है। ना ना इल्ले आत्माराम, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना कम है। ये बात सही बराबर, मानता हूँ भैया, लेकिन मिलता तो है। गारंटी तो होती है मिलने की। ये भी बात है। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ना बैंक ही सबसे अच्छा विकल्प है। ओ यारो, उस शेयर बाजार बैंक से अच्छा नहीं है? नहीं नहीं सोड़ी, अरे भाई जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है। वो एकदम रोलर कोस्टर के जैसा। किसका किसका जैसा? जैसा रोलर कोस्टर, वो तुमने देखा होगा ना एम्यूजमेंट पार्क होते हैं जो, अरे बच्चों के वो जो नहीं होते जहाँ पे राइड झूले वूले लगे हुए होते हैं ऐसे पार्क, उसमें एक झूला नहीं होता एकदम से ऊपर तेजी से जाता फिर तेजी से नीचे आता है। हाँ, वो रोलर कोस्टर। नहीं नहीं बात तो बिल्कुल बराबर है भाई, शेयर बाजार का कोई भरोसा नहीं होता है। अमेरिका में कुछ होता है तो यहाँ हमारा शेयर बाजार हिलने लगता है, वो जापान में भूकंप आता है तो उसके झटके यहाँ हमारे शेयर बाजार को लगते है। ये शेयर मार्केट वाली बात तो अपनी समझ के बाहर है। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड बेटर। नहीं नहीं आती भाई, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइज करते वक्त क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी बात है। नहीं 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 कुछ पता चला? नहीं ना, नहीं मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना मार्केट के उतार चढ़ाव पर अधीन है। हाँ म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ मतलब बात तो वही आ गई ना, गोल्ड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते। नहीं
लेकिन पोपटलाल सोने के भाव में भी तो उतार चढ़ाव होते ही है। अरे आजकल कई लोग एंटिक्स में इन्वेस्ट करते हैं भाई, पेंटिंग्स खरीदते हैं। पेंटिंग्स? अरे जेठल करोड़ों की पेंटिंग आती है, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़। लेकिन उसमें आदमी को जानकारी होनी चाहिए, वरना कुछ नकली चीज ले आए 2-4 रुपए की। वैसे आजकल वो डिजिटल करेंसी भी आ गया ना, वो चिट कॉइन। हाँ, मेरे एक दोस्त ने 1 लाख रुपया चिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, आज उसके 10 लाख रुपए हो गए। 1 से 10? अरे डॉक्टर हाथी, ये सिर्फ एक संयोग की बात है कि इसमें कमा लिया, बाकी चिटकॉइन पता ही नहीं है कि ये करेंसी लीगल है या इलीगल है। जिसका पता ही नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो और सब कुछ ऑनलाइन होता हो, उस पे कैसे भरोसा कर ले। ये भी सही बात है। अरे मेहता साहब, एक ऑप्शन और है रियल एस्टेट का, पर उसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए। नहीं, एक बात है दोस्तों, आजकल इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। अरे गरीब लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वही काफी। नहीं नहीं अब्दुल, मेरे हिसाब से गरीब से गरीब आदमी भी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकता है। अब तो अपना एग्जांपल ले ले, मुझे एक बात बता, तू दिन के 100 रुपए तो बचा सकता है? हाँ आराम से। तो महीने के कितने हुए? 3,000 रुपए। साल के कितने हुए? 36,000 रुपए। और 10 साल के कितने हुए? 3,60,000 रुपए। और ये तो मैंने मुद्दल बोला है, ब्याज तो गिना ही नहीं है। वाह बड़ू वाह। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो इसीलिए कहता हूँ, आम इंसान हो गरीब हो या पैसे वाला हो, बैंक ही सबसे अप्रतिम ऑप्शन है। भिड़े भाई यू आर राइट। वाह वाह भिड़े वाह, तू ये ट्यूशन क्लास के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का क्लास भी चालू कर, अच्छा धंधा चलेगा। ऐसे की बात नहीं है, जेठालाल की बात बिल्कुल सही है भिड़े, इस तरह के टीचर्स की बहुत जरूरत है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लासेस चलाएं। भाई हम लोग बचत भी कर ले, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भरोसा किस पर करें, ये प्राण प्रश्न है। इस प्राण प्रश्न का एकदम सिंपल उत्तर है मेहता साहब, बैंक। बैंक ही सुरक्षित वर्तमान का आधार और अच्छे भविष्य का सहारा है। अब ठीक है भिड़े, लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता भाई। मेहता साहब वो एफडी की बात कर रहे हैं ना भिड़े? हाँ मैं एफडी की बात कर रहा हूँ। तो ठीक, मेरी सही सलामत बैंक की बात ही निराली। ध्यान रखना वह, आजकल बैंक के बहुत घपले बाहर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी सही सलामत बैंक बिल्कुल नाम की तरह सही सलामत है। और मैं तो कहता हूँ बैंक के तो टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, पैसे जमा करते रहो, वक्त आने पर उठाते रहो। भाई मैं तो बैंक को पैसे देता नहीं हूँ, बैंक से पैसे लेता हूँ। भाई लास्ट की कुटली बैंक है? अरे लोन लोन की बात कर रहा हूँ भीड़े। क्या भाई, मेरा तो यही मानना है कि दूसरों के पैसे पे जो धंधा करे वही असली व्यापारी है। रिस्क तो दूसरों के पैसे से ही लेना चाहिए। ये तो गलत है जेठालाल। अरे गलत कुछ नहीं है भिड़े, पूरी दुनिया में सब धंधा ऐसे ही करते हैं। अभी अब्दुल का उदाहरण ले ले। अब्दुल तू ये जो दुकान में माल लाता है उसका पेमेंट हाथों हाथ करता है? नहीं नहीं, 1 महीने के बाद देता हूँ। देखा मेरी दुकान में भी जो भी माल आता है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, वो सबका पेमेंट मैं 45 दिन बाद या 60 दिन बाद करता हूँ। मैं भी जेठा ब्रा, पूरी दुनिया ऐसे रोलिंग पे ही चलती है। बराबर है। नहीं नहीं जेठाल की बात बिल्कुल सही है, ये रोलिंग पे ही दुनिया चल रही है भाई। जेठाल मेरे ख्याल से ये जो व्यापारी है 90% व्यापारी लोन लेके व्यापार करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो। आज आप वही सोने वाले हैं ना? आए थे? नहीं आप आए नहीं अभी तक, इसलिए मैंने पूछा। हाँ बस आई रहा। 2 मिनट में आ जाएंगे ना? 2 मिनट में कैसे, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, अभी ऐसे अचानक से निकलूंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। आ, पत्नी पति को बुलाती है तो दोस्त लोग मजाक उड़ाते? कसम नहीं है। किसका, माधवी बाबे का फोन है? हाँ। डांट रही है? हाँ, ये नहीं नहीं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। परमेश्वरा आपके 5 मिनट मतलब आधा घंटा, एक तो चाबी भी नहीं लेकर गए हैं आप। अभी लेट आया हूँ माधवी, तो आने में लेट ही होगा ना। मुझे लगा ही था, मैंने बोला था आप मुझे यही बहाना देंगे। जल्दी आइए ना आप, एक तो चाबी नहीं लेकर गए। सोनू आ गई घर? वो आ गई, सो भी गई। आप जल्दी से आइए, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ आलो आलो। हाँ या लो करिया। ओ, आलो निकालो।
चलो भाई, होम मिनिस्टर का फोन आ गया, अभी निकलना पड़ेगा। तो अभी निकल ही रहे भाई, मैं कौन सी यार रात गुजार। चलो यार, सबसे जल्दी उठना है। चलो चलो यारो, जाने से पहले सबके लिए दिल से एक प्रेयर है कि सबकी बहुत सारी सेविंग्स हो, बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट हो, और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर रहे, ताकि सब हैप्पी 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 रहे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी, हम में से किसी का पैसा कहीं फंसे नहीं और कोई बैंक उठे नहीं। माधवी, तुम भी कमाल करती हो, मैं आने वाला था ना, फोन करने की क्या जरूरत थी। मैं अगर फोन नहीं करती ना तो और एक घंटा आप नहीं आते। अरे अरे का है अरे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, रोज मिलके भी आप लोगों की इतनी क्या बातें होती है जो खत्म ही नहीं होती। माधवी, हम सब वहाँ पे काम की बातें करते हैं। काम की बातें सोडा शॉप पे। क्या मैं क्या मजाक लग रहा है? मजाक है तो मजाक ही लगेगा ना। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे किसी विषय पर गहन चर्चा करके आ रहे हो। अरे हाँ, हम लोग गहन चर्चा ही कर रहे थे, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे पति परमेश्वर उस चर्चा में जीत गए हैं। मतलब क्या हुआ? हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने तो बोल दिया कि एक सामान्य आदमी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसका बैंक है। बैंक ही एक सामान्य आदमी का आधार है और उसके भविष्य के सपनों की नींव है। हाँ, ये बराबर बोला आपने। बस माधवी, अभी परसों का इंतजार है, परसों वो मैच्योर होगी। कौन? अरे कौन क्या, हमारी एफडी माधवी। हाँ हाँ, मैंने बताया तो था, परसों हमारी एफडी मैच्योर हो रही है। हमारा पैसा माधवी, हमारा खुद का पैसा मिलने वाला है। खरे खरे। ये आपने बताया नहीं कितने पैसे मिलने वाले हैं हम लोगों को। माधवी, अगर मैं आंकड़ा बताऊंगा ना तो तुम्हें अपने पति पर गर्व होगा। सांगा ना लौकर। माधवी, सब मिला के हमें हाँ बोला ना, 30 लाख मिलने वाले हैं। 30 लाख? मतलब हम लोग लखपति हैं। मैं लखपति और तू लखपति। अपनी सही सलामत बैंक में, सही सलामत एफडी। क्या है माधवी, बैंक में अगर अच्छे खासे पैसे हो ना तो नींद भी बढ़िया आती है ना। हाँ। चलो अभी सो जाते, कल सुबह उठ के मैं मंदिर जाऊंगा। ये परसों का दिन कब आएगा? अरे माधवी, अभी सोएंगे तो कल आएगा, और कल सोएंगे तो परसों आ ही जाएगा ना। चलो जल्दी सो जाते हैं। चलो चलो, अरे खुशी बदे उसी घूम चल ली। चला चला। हाँ 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 हाँ, सुबह सुबह की ताजगी का मजा ही अलग है। शुभ प्रभात सूरत दादा। ओम मित्राय नमो, मृवय नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमो, हिरण्यगर्भाय नमो, मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमो, सवित्रे नमो, अर्काय नमो, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तु ते। बस आपसे एक ही प्रार्थना है सूरत दादा, कि आपकी ऊर्जा हम सब में हमेशा बसती रहे। और थैंक यू, आपकी वजह से आजकल धंधा बहुत जबरदस्त चल रहा है। चलो, आप तो सुबह से काम पे लगे हुए ही है, अभी हमारी बारी। चलो मिलते हैं। पपीता जी। ओ, कैसे मोरनी की तरह डॉग खिला रही है बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। ओ अच्छा, म्यूजिक सुन रहे हैं। हाय मैं मजा। बबीता जी। हेलो बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग
चेटा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाउ आर यू? आप एकदम मजे में। मैं कब से आपको गुड मॉर्निंग कह रहा था, लेकिन आप म्यूजिक सुन रहे थे तो शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ, I'm so sorry about it. नहीं नहीं, उसमें सॉरी क्या बबीता जी, प्लीज सॉरी मत बोलिए। लेकिन कहना पड़ेगा, कसरत के मामले में आप एकदम मक्का में हैं। इस मौसम में भी चलो? Of course, सीजन कोई भी हो, एक्सरसाइज करना रुकनी नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, वैसे कौन सा म्यूजिक सुन रहे थे आप? मॉर्निंग रागास। मैं भी सुबह सुबह प्रभातिया ही सुनता हूँ। क्या प्रभातिया? प्रभातिया वो सुबह के भजन, इसका प्रभातिया बोलते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। मेहता साहब उठ गए? नहीं, वो कल रात को देर तक लिख रहे थे ना, तो अभी सो रहे हैं। बस अभी जाके उठाऊंगी उन्हें। ओके बाय सेव। वो एक्चुअली अय्यर का कॉफी पीने का टाइम हो गया। क्या बबीता जी, कॉफी तो अय्यर भाई बना लेते हैं ना। हाँ, पर वो सुबह की पहली कॉफी उसको मेरे हाथ की पीनी होती, और मुझे भी मेरा प्रोटीन शेक पीना है। क्या 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 पीना है? प्रोटीन शेक। ये क्या होता है? वो मिल्क शेक जैसा ही होता है, बस एक्सरसाइज के बाद पिया जाता है। ये मार्केट में नया आया है? नहीं जेठा भाई, ये स्वास्थ्यवर्धक प्रवाही है, इसे पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। आप भी ट्राई कीजिए ना, अच्छा लगेगा। भले, जरूर जरूर। पहले बबीता जी, मैं आपके घर आऊंगा, आप थोड़ा सा चखाना। ओके? अगर अच्छा लगा, नहीं अच्छा ही लगेगा, आप पी रहे तो अच्छा ही होगा। मैं भी चालू कर दूंगा फिर। ओके परफेक्ट, चलो आई विल सी यू, बाय। ओके बाय। ओके अंजलि बबी। हां जी जी, बाय। ओके तारक, तारक उठिए, तारक उठ जाइए। यार 5 मिनट बोला ना, सोने दो। क्या 5 मिनट? 5 मिनट? आधे घंटे से 5 मिनट हो रही है, फिर देर हो जाएगी तो कहना मत। अरे सोने दो ना यार, उठो ना। तारक, ये बेस्ट आइडिया है, जब भी आप जल्दी नहीं उठेंगे ना, मैं आपको ऐसे ही उठाया करूंगी। क्या जगाऊंगी, अब तो जगा दिया। चलो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो और पेपर दो। क्या तारक, उठते ही सीधा चाय दे दो, पेपर दे दो। सुंदर अर्धांगिनी आपकी आपके सामने खड़ी है, उसे देखने की फुर्सत ही नहीं है। अच्छा तो जूरे आला, आइए, अब फुर्सत ही फुर्सत है हमें। क्या कर रहे हो आप तारक, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अब अपने फुर्सत निकाली तो आप देरी के बाद निकालना। ठीक है भाई, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जैसा अंजलि मैडम कहेगी वैसा ही करेंगे। चलो अब जरा एक कप गरम गरम चाय पिला दो, तब तक मैं आज की ताज़ा खबरें देख लूँ। चाय 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, अखबार टेबल पे रख दिया गया है, आप बस उठ जाइए और आइए। थैंक यू सो मच। पर वो भाई काढ़ा मत बनाना, मसाले वाली चाय बनाना। अच्छा जी। हाँ जी, थैंक यू। 6,000 करोड़ का घोटाला, लो जी। एक और बैंक में घपला, वो क्या रहा ये? रोज घपला, घोटाला, गबन, इस बैंक में, उस बैंक में। आपके मेरे सबके मन में यही ख्याल आ रहा है, यही विचार है, यही सवाल है कि कभी फलाना बैंक का 200 करोड़ का घोटाला, कभी 1,000 करोड़ का गबन घपला इस बैंक का, ये बैंक वो बैंक, घपले ही घपले। क्यों लोग इतना लोन लेते हैं कि चुका नहीं पाते? क्यों नियत ठीक नहीं रखते, फिर नहीं चुका पाते तो विदेश भाग जाते हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। हाँ, लोन से याद है, मेरे परम मित्र जेठालाल ने भी लोन लिया है, लेकिन जेठालाल तो सीधा साधा व्यापारी है, भी काम के लिए लोन लिया होगा। लेकिन बात जितनी सीधी है उतनी ही टेढ़ी भी है। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको शायद सीधी नजर आए, लेकिन इतनी सीधी है नहीं, इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये जो जेठालाल ने लोन लिया है ना, इससे गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा ही तहलका मचने वाला है। अब ये तहलका क्या होगा, किस तरह से मचेगा, ये तो आपको कल पता चलेगा। लेकिन आपको हंसने के लिए किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है ना हंसी का बैंक। हंसी का बैंक मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस हमें देखते रहिए और हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.